सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। कि अगर किसी को जिन्नात की हाजिरी आती, तवज्जे करें आप, अगर किसी को भाई वली की हाजिरी तो किसी को नहीं आ सकती, लेकिन परी है, जिन्नात है, इसकी हाजिरी आ सकती। तो किसी को अगर जिन्नात की हाजिरी आती है और वो गैब की खबर दे, उसको मानना नहीं चाहिए। अगर आप उसको मानेंगे ये सोच कर, क्योंकि कुरान तो कहता है कि उनको गैब की खबर नहीं है, अगर आप उसको ये सोच के कि इसको गैब की खबर है, गैब का इल्म है, ये सोच कर मानेंगे तो कुफ्र होगा। तजदीद ईमान और जो है वो तजदीद निकाह, अगर बीवी रखते हैं तो तजदीद निकाह लाजिम आएगा। इस बला में बहुत लोग मुब्तला हैं, चलो वो फलां को जिन्नात की हाजिरी आती है उससे चल करके पूछ लेते हैं कि मेरा धंधा क्यों बंद है, जैसे तुम हो वैसे वो है, उसको क्या खबर। कुरान कह रहा है, कुरान को ना मानोगे तो किसको मानोगे। हाँ, ये एक अलग बात है, एक मैटर अलग है, जिन्नात कहीं खुद जाकर देखकर खबर आकर के बताए, ये अलग उन्वान है। जैसा कि इफरीत ने कहा था कि मैं आपकी महफिल खत्म होने से पहले लाऊंगा, मतलब क्या कि वहां जाएगा और लाएगा ना। तो अगर अब वो वहां जा करके देख करके खबर लाता है तो ये गैब की खबर नहीं होगी, क्योंकि वो तो देख कर रहा है, मुशाहिदा है ना ये। इसलिए इसके अंदर तफसील है, इस पे गौर करना चाहिए। और यही हमारे उलमा का फतवा भी है कि अगर कोई जिन्नात को गैबदा मानता है कि वो गैब की खबरें बताते हैं तो ये कुरान मुकद्दस की नस के खिलाफ है। और इसमें मजीद तफसीलात इंशाल्लाह फिर कभी आपके सामने पेश की जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के फ्यूज़ बरकात से माला माल फरमाएं।